ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। नौ भाग्यशाली राशियों पर माता रानी की कृपा होने वाली है। उनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम पुत्र प्राप्ति का एक बहुत ही अचूक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो यकीन मानिए माता रानी की पासे निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है और नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस उपाय को करना है। आपको माता रानी को एक पान का पत्ता अवश्य ही अर्पित करना है। माता रानी को पान का पत्ता बहुत ही प्रिय है। पान का पत्ता चढ़ाने से निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, आपको पान के पत्ते पर एक स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है। बतासे के ऊपर आपको दो लौंग रखने हैं और माता रानी को अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि के दिनों में अगर माता रानी को नारियल नहीं चढ़ाया तो नारियल अवश्य ही चढ़ाएं और उस नारियल को पति पत्नी को मिलकर ही चढ़ाना है। दोस्तों, आपको जटा वाला नारियल लेना है, उस पर भी आपको रोली से स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेटना है अपनी इच्छा बोलते हुए और माता रानी के चरणों में उसे अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, माता रानी को किसी ना किसी वस्तु का भोग लगाएं। आप केले का या फिर पंचमेवे का या दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं और इस मंत्र का जाप आपको 11 माला का करना है। दोस्तों, आप एक दिन में भी कर सकते हैं, दो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में आपको 11 माला का जाप अवश्य ही करना है। ये पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अचूक मंत्र है। इस मंत्र का जाप मतलब पति पत्नी में से कोई भी कर सकता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। आप एक ही दिन में भी कर सकते हैं, दो दिन में भी कर सकते हैं, नवरात्रि के मतलब दिनों में आपको 11 माला का जाप अवश्य ही कर लेना है। साथ ही दोस्तों, जो जटा वाला नारियल आपने माता रानी को चढ़ाया है उसे अष्टमी नवमी तक चढ़े ही रहने देना है और आखिरी के दिन उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करना है। उसमें से अगर नारियल का बीज निकल आता है तो वो स्त्री को अवश्य खिला दें। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप नारियल का बीज अवश्य ही ग्रहण करें। साथ ही दोस्तों, आपने जो भी वस्तु का माता रानी को भोग लगाया है उस भोग को पति पत्नी अवश्य ही ग्रहण करें। देखना, माता रानी की कृपा से आपकी झोली अवश्य ही भरेगी, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं या नित्य प्रति भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको अवश्य ही करना है, आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस बार नवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इन नौ भाग्यशाली राशियों पर माता रानी की कृपा हो रही है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों, ये नौ भाग्यशाली राशियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत ही प्रबल संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो इस मंत्र का जाप नवरात्रि के दिनों में अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।